and welcome back to the another vlog of my channel. और आज है next day, जो भी day होगा मैं note कर दूंगी यहाँ पर. And कल मैंने vlog खत्म किया है एक, और उसी के just back to back मैं vlogging कर रही हूँ. मतलब मैंने सोचा मैं 5 दिन की vlog करती हूँ, जो थोड़ा ना Monday to Friday वाला vlogging वैसा vlog करने का सोचा है मैंने कि मैं आपको दिखाती हूँ. क्योंकि मेरा जो daily का routine है वो थोड़ा boring होता है, बहुत exciting नहीं होता है. सिर्फ मैं उसी दिन vlog करती हूँ जिस दिन मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ exciting होने वाला है, और या मैं बहुत ही मस्ती वाले मूड में हूँ उस दिन मैं व्लॉग करती हूँ. सो ठीक है, अभी मैं 5 दिन व्लॉग कर रही हूँ. काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं आप व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग व्लॉगिंग. तो क्योंकि अगर आपने मेरे 2 वीडियोज़ नहीं देखे और आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बाकी के 2 वीडियोज़ भी देखें. एंड अभी सुबह सुबह भाई जो सबके घरों में काम होता है, अभी मेरे घर में भी वही काम हो रहा है, कुकिंग वाला काम है, तो प्रिपरेशन हो गई है. भिंडी जो है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है तो हमारे यहाँ जो वेजीज हैं एक तो बहुत मुश्किल से भी मिल रही हैं, मुश्किल से तो नहीं मिल रही आई वुड से, बट हाँ थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं. तो उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही पूरा वॉश वॉश करके और कट करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि फटाफट फिर बना लें. और ये हम लोगों का टास्क लिस्ट है. तो विक्की का देखिए, बर्तन, सब्जी कटिंग, मॉपिंग विदाउट हेल्प. विदाउट हेल्प इन द सेंस मीन्स के इतने नखरे होते हैं, एक काम करता है और उसके नखरे ऐसे होते हैं मॉपिंग के लिए, ये दे देना, वो दे देना, ढिमका दे देना, फलाना दे देना. तो फिर मुझे गुस्सा आती है कि अपना काम करो तो पूरा करो, मुझसे हेल्प मांगा करो. तो इसलिए मैंने विक्की के स्पेशली लिखा हुआ है विदाउट हेल्प. अगर काम करना है तो विदाउट हेल्प मुझे चैन से बैठने दिया करो उतने देर. और मेरा जो काम है, मेरा लिखा हुआ है रोटी मॉर्निंग एंड इवनिंग, डस्टिंग स्वीपिंग विदाउट हेल्प, सब्जी कुकिंग एंड मसाला एडिंग. हम लोग एक एक चीज़ें ऐसे मेंशन करते हैं ताकि लाउड एंड क्लियर सबके टास्क लिखे हुए हैं, झगड़ा हो तो हम बता सकें कि ये देखो ऐसे लिखा हुआ है. सो इसमें झगड़े कम होते हैं, पॉसिबिलिटीज कम होती है झगड़ा होने के. और ये आटा गूंद चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर अनियंस चॉप हो चुके हैं, ये है भिंडी, और इसमें क्या है, इसमें मेरे बादाम है जो अभी मुझे खाना है. और इसको मैं रख देती हूँ वापस से इसके अंदर. अयो, और इसको निकाल लेते हैं. ये फ्राइडे को बनेगा राजमा रोटी, सैटरडे को बनेगा छोले पूरी, और ये हमारा मेन्यू है. ये आदमी देखो सुबह से नहा धो करके गुड बॉय की तरह पूजा वूजा करके बैठ गया है. कुकिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं शार लेने के लिए जाऊंगी. और यहाँ का मैंने विक्की का बोला है थोड़ा सा वो मैनेज करेगा, और शार लेने के बाद लंच करेंगे हम लोग डायरेक्टली, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी. हाय गाइस, तो मैंने शार वगैरह ले लिया है, और शार लेने के बाद मेरा लंच हो गया है, और मैं आराम से चिल मार के अपने वीडियोज़ देख रही थी. मैं अपने पुराने वीडियोज़ देख रही थी गोवा के, सो ऐसे ही देख रही थी. अच्छा लगता है खुद के वीडियोज़ भी कभी कभी देखना. तो मैं बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं अपने खुद के वीडियोज़ ही देखती हूँ कि वाह मैं कितनी खुश थी, तो फिर उसको खुश को देख करके मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ. तो मैं अपने वीडियोज़ देख रही थी. एंड यू नो वॉट, इस साल मैं आपको बताती हूँ, अब तो पता नहीं ये प्लान पूरा होगा कि नहीं होगा, बट हाँ लास्ट ईयर मेरा ऐसा था, मेरे 2 प्लान्स थे. एक तो गर्ल्स ट्रिप का मेरा प्लान था, और एक ये प्लान था कि मुझे सोलो ट्रिप करना है. तो लास्ट ईयर वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सारी लड़कियां एक साथ रेडी नहीं थी. मतलब हम सब रेडी थे, जितने लोग हम सब जाने वाले थे हम सब रेडी थे, बट उसमें से सब रेडी नहीं थे, सब एक टाइम पे रेडी नहीं हो रहे थे. उसमें से इंक्लूडिंग एक अनन्या भी थी जिसको आप सब शायद जानते होंगे. तो हम लोग ऐसे, हमने गर्ल्स ट्रिप प्लान करके रखा था, और वो प्लानिंग मैनेजमेंट किसको दे करके रखा था, मेरे को. अब मैं जब किसी को पूछती थी यार चलना है कि नहीं चल, अरे हाँ चलना है तू बस बुकिंग कर दे, फिर मैं दिस पूछती हाँ चलना है बुकिंग, फिर मैं बोलती थी हाँ मैं बुकिंग कर रही हूँ, तो बोलते रुक जा ये वाला डेट. तो ऐसा हो रहा था. फिर हमारा एक डेट और एक मंथ डिसाइड हुआ था कि हम इतना 2020 में अप्रॉक्सीमेटली जब फर्स्ट बारिश हो जाएगी, क्योंकि मार्च तरफ भी हमारा था जाने का, बट तब मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मेरे कहीं और प्लान थे. तो वी वर लाइक कि हाँ बारिश का जैसे ही फर्स्ट मानसून आ जाएगा हम लोग गोवा चलेंगे लड़कियाँ लड़कियाँ सब. तो अभी उसका अनन्या का बर्थडे था, तो 5-6 दिन पहले उसका बर्थडे आया था, तो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टोरी डाल करके रखी थी गोवा का बैकग्राउंड लगा के, और हम दोनों की कि पार्टिंग इन गोवा, क्योंकि हम लोग गोवा जाने वाले थे. तो वो तो चौपट हो गया, और मेरा सोलो ट्रिप भी था, तो सोलो ट्रिप भी मेरा ऑलमोस्ट प्लान्ड था. सब लोगों घर वालों को मैंने लास्ट ईयर से कान में डालना चालू कर दिया था. मेरे मम्मा बोलते थे हैं, वो लोग तो एकदम शौक में कहाँ सोलो ट्रिप जाना, ये वो डर
थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि इंडियन पेरेंट्स की लड़की अकेली कहाँ जाएगी. मैंने बोला भैया इंडिया में ही जाना है, मैं ऐसी जगह में जाऊँगी जहाँ पे कोई रहता हो पहचान का. तो मेरा ये प्लान था, टीनू अकेली रह रही थी हैदराबाद में, मेरा हैदराबाद देखा हुआ भी नहीं है और ना मैं कभी घूमी हूँ. तो मेरा ये था कि मैं अकेले हैदराबाद जाती, एक आध दिन खुद एक्सप्लोर करती, एक दिन उसके साथ, दो दिन उसके साथ रहती, बढ़िया हॉस्टल में रहती मज़ेदार. तो मेरा हॉस्टल वाला लाइफ का भी वो पूरा हो जाता, मेरा अकेले का सोलो ट्रिप भी हो जाता और ऐसे सब मैंने सपने सजा के रखे थे सपने सजा के रखे थे हमारे, ये पूरे मेरे पैसे निकाल के रखे थे, ये सोलो ट्रिप का है, ये मेरा गर्ल्स ट्रिप का है, ऐसे मैंने करके रखा था. और हम जितनी भी लड़कियां हैं सब मैरिड हैं जो गर्ल्स ट्रिप पे जा रही थी, बट किसी के भी बच्चा अभी तक किसी ने प्लान नहीं किया है, नो वन हैज अ किड. तो हमारा ये था कि भाई ये सब प्लानिंग व्लानिंग करने से पहले एक गर्ल्स ट्रिप तो बनता है यार. मैंने लाइफ में आज तक गर्ल्स ट्रिप नहीं किया, अच्छी कहीं दूर तो वैसा था, बट होने को कुछ और ही मंजूर था तो वो हो गया. तो अनन्या और हम लोग बड़ा हंसते हैं उस बात पे कि भैया अपन तो यहाँ जा रहे थे वहाँ जा रहे थे, और जो मेरी और दो और फ्रेंड्स हैं हम सब लोग रेडी थे जाने के लिए. सो वैसा तो प्लान हमारा कैंसिल हो गया. तो मैं ना अभी गोवा की वो देख करके वही हंस रही थी, और अनन्या के बर्थडे के दिन में हम लोग बात करके बहुत हंस रहे थे इस टॉपिक पे कि हम यहाँ जाने वाले थे. अभी मैं अपना एडिटिंग करने के लिए बैठूंगी एंड शाम को मैं आज योगा करने वाली हूँ. तो बहुत दिनों से मेरे को योगा रूटीन को लेकर के, मतलब लड़कियाँ बहुत, जब से मैंने वो PCOS वाला वीडियो बनाया था, बात काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं. तो मैं सोच रही हूँ आज के ब्लॉग में मैं अपना योगा रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी. एक्चुअली मैं उसको इसलिए डिले कर रही थी क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना, मतलब मैं इन डेप्थ जा करके, मेरा ये पेंडेंट कहाँ पीछे, हाँ, तो मुझसे ज़्यादा विक्की को इन डेप्थ नॉलेज है, उसको पता नहीं क्या 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 होता है. एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ और फिर शाम को मैं योगा करूँगी, तब आई गोना सी यू. तो अभी मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करूंगी. नो दैट आई हैव ऑयली स्किन, और क्योंकि जब से रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, रेनी सीजन इज द वर्स्ट सीजन फॉर माय स्किन, ऑयली स्किन के लिए. यूजुअली आई थिंक ऑयली स्किन वालों को सबसे ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम्स रेनी सीजन में ही होता है, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है. पता नहीं सबको होता है कि नहीं होता, बट मेरे को स्पेसिफिकली शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे मुंबई में, मैं भोपाल में भी थी ना, तब भी जैसे ही रेनी सीजन आता था मेरे स्किन पे प्रॉब्लम्स होना, मतलब होना स्टार्ट हो जाता था. ह्यूमिडिटी रहती तो आपकी स्किन में और डर्ट और ये सब चीजें अंदर जाती है स्किन के. यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ 369 डिटॉक्स विथ क्ले मेथड टू क्लीन ऑल इम्प्योरिटीज फ्रॉम माय फेस. तो ये जो क्ले रेंज है इसमें एक तो फेस वॉश है एंड साथ ही साथ फेस मास्क है. तो बेसिकली 369 का मतलब होता है दैट द प्रोडक्ट्स इन दिस रेंज हैज द गुडनेस ऑफ 3 क्लेस दैट गिव्स यू 6 बेनिफिट्स एंड द बेस्ट पार्ट ऑल यू नीड इज 9 मिनट्स टू डिटॉक्स योर स्किन. तो ये है दी मॉम्सको का नेचुरल क्ले फेस वॉश. इसके अंदर 3 तरह के क्लेज मिले हुए हैं एंड साथ ही साथ एक्टिवेटेड चारकोल है. तो जो 3 क्ले हैं उनका नाम है मोरिकन लावा क्ले, देन केओलिन क्ले एंड साथ ही साथ बेंटोनाइट क्ले. तो ये करता क्या है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है एंड आपकी स्किन के अंदर तक जा करके इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है. इट ऑल्सो हैज़ नेचुरल AHAs, तो इससे वॉश करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी क्लीन एंड ब्राइटन अप लगने लगती है. और क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मोस्ट ऑफ द क्ले प्रोडक्ट्स जो होते हैं यूजुअली मेरे को ड्राई आउट कर देते हैं मेरी स्किन को, बट फ्रैंकली ऐसा कुछ फीलिंग मुझे नहीं आ रहा है, मेरी स्किन काफ़ी रिफ्रेश्ड एंड सॉफ्ट फील कर रही है. अब बारी आती है फेस क्ले मास्क की. नाउ ये है नेचुरल क्ले फेस मास्क. अगेन ये 3 क्लेज के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है एंड एक्टिवेटेड चारकोल. तो जो 3 क्लेज हैं वो 6 बेनिफिट्स देते हैं. वो 6 बेनिफिट्स क्या देते हैं, ये डीपली प्योरीफाई करता है, एक्सफोलिएट करता है, ब्रेकआउट्स को मिनिमाइज करता है, ब्राइटन अप करता है, आपके पोर्स को टाइटन अप करता है एंड आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस भी करता है. फेस वॉश आपको एक दिन में 2 बार यूज़ करना होता है एंड ये जो फेस मास्क है इसको आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना होता है एंड इसको आपको 9 मिनट्स तक रख करके रखना है. जब तक ये ड्राई आउट होता है तब तक आप बाकी के घर के काम कर सकते हैं, जैसे कि आप कुकिंग कर सकते हैं, आप बर्तनों को साफ कर सकते हैं या आप कोई भी अपना आप काम कर सकते हैं. मैं यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए बैठ रही हूँ तो मैं ये देखिए मैंने अपना पूरा फेस वॉश कर लिया है. डेफिनेटली मेरे जो पोर्स हैं वो मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं एंड यस आई हैव एक्ने मार्क्स जो कि आराम से जाएंगे 1-1.5 महीने में. जो डिटॉक्स मेथड 369 वाला क्ले फेस वॉश एंड फेस मास्क वाला, आई फील इंस्टेंट ब्राइटनिंग सा लगता है, मुझे ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, मेरे को एकदम से इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है ये. मैं इसको लास्ट 2 वीक से यूज कर रही हूँ. मेरी स्किन काफी डिटॉक्स्ड एंड फ्रेश एंड बहुत लाइट लग रही है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है आफ्टर दिस क्ले मास्क एज वेल. मेरी स्किन ड्राई नहीं लग रही है, मतलब अभी मैं मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाऊँ सो आई एम गुड टू गो. इसमें जो क्ले प्रेजेंट है ये आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट
स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट होने वाला है। जब से यूज कर रही हूँ थैंकफुली अभी तक कोई नया ब्रेकआउट मेरे स्किन पे तो नहीं आया है। मैं इसको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप यूज करके देख सकते हैं। द कंसेप्ट 369 इज अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी योर स्किन विल गोना लव इट। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज प्रोडक्ट्स आर कि ये 100% नेचुरल है, तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाले। हाईली रेकमेंडेड। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आप अगर परचेस करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करिएगा। अभी मैं दी मॉम्स को का आई क्रीम है ये यूज करने वाली हूँ। तो आपको मेरे आई डार्क सर्कल्स में काफी फर्क दिख रहा होगा क्योंकि बीच में मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आप देखो मेरा जो डार्क सर्कल का एरिया है वो अगेन मेरे स्किन के कलर से मैच होने लगा है। सो मतलब ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। मैं तब से ही जब से मैंने आपको बताया था मैं इसको आई थिंक एक महीने से ज़्यादा हो गया कि मैं यूज़ कर रही हूँ विक्की ने बड़ा जोश जोश में स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना, बट वही है कि वो 4 दिन यूज़ करता है और 4 दिन यूज़ करने के बाद वो नहीं यूज़ करता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया विक्की भैया के डार्क सर्कल्स पे, यार उसका डार्क सर्कल्स का मुझे ऐसा लगता है कि उसका मेन इशू है कि वो स्क्रीन टाइमिंग उसका 12-13 घंटे कंटिन्यूस। आप समझ रहे हो कोई इंसान 9 बजे से स्क्रीन खोल के बैठा हुआ है, 2-3 दिन स्क्रीन पे काम करता है, मोबाइल सामने रखा रहता है, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो वो भयानक स्क्रीन टाइमिंग लेता है। तो स्क्रीन टाइमिंग और उसका स्लीपिंग पैटर्न भी उसका बहुत, मतलब वो 6 घंटे सोता है सिर्फ। मैं तो फिर भी मस्त घोड़े गधे बेच के 8 घंटे सोती हूँ, और 8 नहीं तो मैं कभी कभी मेरा 10 भी हो जाता है। समटाइम्स मैं चाहूँ मुझे मौका मिल जाए तो मैं 12 भी सो सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स लगा करके चीज़ें ठीक कर सकते हो, आपको थोड़ा अपने बॉडी का सिस्टम भी ठीक करना पड़ता है। सो यस, ये मेरा डार्क सर्कल्स का रिव्यू है जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो चुके हैं जैसे मेरे पहले थे। मेरे को टचवुड डार्क सर्कल्स कभी हुए नहीं थे। अच्छे कॉमेंट्स आते हैं ना जो मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब मज़ा आ जाता है जिनको पढ़ने के बाद। तो वो कॉमेंट मैं अंदर से आती हूँ फटाफट विक्की को पढ़ाने के लिए कि देखो देखो ये कॉमेंट आया ऐसा। तो मैं आपको बताती हूँ विक्की क्या कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? विजन बोर्ड बना रहा हूं। ये अपना डिजिटल विजन बोर्ड बना रहा है। हमारे घर में ही इंसान इंस्पायर्ड हो चुका है एक विजन बोर्ड बनाने के लिए। और नहीं, इनफैक्ट मेरे पास पहले भी था, मैंने बाद में बनाना बंद, यूज करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने जो उसमें लिखा था वो मैंने अचीव कर लिया था। फिर उसके बाद सोचा सब अचीव हो गया, दुनिया अचीव मिल गई। नहीं, फिर मैं भूल गया। इसलिए विजन बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि विक्की ने जो पहले बनाया था ना वो लिटरली उसने अचीव किया था। विक्की का विजन बोर्ड मैंने देखा, अभी भी रखा है जीना में, वही ना बड़ा सा शीट है, बट मैं दिखाऊंगी नहीं वो क्योंकि उसमें कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं। जब हमारी जिस ईयर शादी होने वाली थी उस ईयर उसका विक्की का प्लान था, उसी ने स्विच किया था ना वो उसमें 6 मंथ पहले। मतलब उसने खतरनाक स्विच होता है ना, खतरनाक मतलब एक ऐसी कंपनी से उसने अपनी ड्रीम कंपनी में स्विच किया था। एंड मैं जानती हूँ कि क्योंकि तब हमारी बातें होती थी, हमारी शादी के 6 मंथ पहले ही आई थिंक उसने स्विच ही किया था। तो जब विक्की ने मुझे बताया ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती, तो मैं विक्की को बोल रही हूँ अच्छा, तो मेरे को लगा कहीं ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा है, शादी करने के चक्कर में बोल दिया हाँ हाँ मैंने तो अपना गोल अचीव कर लिया। तो मैंने विक्की को तुरंत बोला, मैंने कहा अच्छा अच्छा भाई है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैंने बोल दिया। फिर मैंने विक्की को मैसेज करके लिखा, मैंने कहा मुझे ना ऑफर लेटर भेज दो, क्योंकि तब मैं भी जॉब कर रही थी HR में, मैंने पूरा ऑफर लेटर चेक किया, क्रॉस चेक किया, जो रेफरेंसेस दिए थे वहाँ कॉल करके पूछा ये सारा क्रॉस चेक किया मैंने किया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी बोलेगी, मम्मी को भी थोड़ा अभी एकदम से, यार हम लोग को वो बता रहा है कि हाँ ये मेरी ड्रीम कंपनी है, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, और लड़का 6 महीने में बोल रहा है मेरा हो गया उस कंपनी में, तो हम लोग को थोड़ा डाउट वाउट आया। पर उसने बहुत हार्डवर्क किया था उसके लिए। एंड फिर मैंने ऑफर लेटर वगैरह चेक किया, फिर मैं भी बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह चलो बहुत अच्छी कंपनी में हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी वार्टी एंड ऑल। तो बस ये छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताने के लिए आई थी। अब मैं फिर से एडिटिंग करने के लिए बैठ रही हूँ। तो कल के लिए मेरा वीडियो जो है वो स्केड्यूल्ड भी हो चुका है, और क्योंकि शाम को मेरे को काम ज़्यादा हो गया था एंड मेरा जो योगा है वो स्किप हो गया है, तो मतलब मुझे योगा स्किप करे हुए प्रॉपर 5 डेज हो चुके हैं। 5 दिन से ना मैंने योगा किया है, ना मैंने डांस किया है, ना मैंने कोई और एक्सरसाइज करी है। बट मैं कल मेक श्योर करूँगी कि कल से एटलीस्ट अल्टरनेट डेज में योगा पे वापस आ जाऊँ, क्योंकि ऐसे ही होता है मेरा स्किप हो जाता है जब भी मैं PMS वाली साइकिल से गो थ्रू होती हूँ, तो मेरा 5 डेज स्किप होता है, 3 डेज स्किप होता है, बोलो 3 से 4 दिन स्किप होता है, फिर वो स्किप होता चला जाता है 7-8 डेज तक, फिर मैं वापस बैक टू योगा पे आती हूँ। सो दिस गाय इज स्टिल वर्किंग एंड टाइम देखिए अभी क्या हो रहा है, 11 बजे, आधा घंटा आ गया हम लोगों की वॉच। कब दिन ना रात, सुबह 9 बजे ये लैपटॉप खुलता है, सिस्टम 9 बजे खुलता है जिसका ये रात को, और आप लोग बोलते हो कि विक्की भैया के डार्क सर्कल्स के लिए कुछ करो, ये ऐसे स्क्रीन पे घुस के कितने घंटे हुए हैं, सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। दिन में कोई नहीं सोते हो आप, 15 मिनट के लिए आके ये रूम में लेटता है क्योंकि इसकी बॉडी गिव अप कर जाती है,
तो बताओ, ये बताओ कि कितने घंटे आप बैठते हो? 8-9 घंटे? जी नहीं, 8-9 घंटे होते हैं गाइस। 9 बजे से लेकर के, टाइम देखो अभी 11:30 हो रहा है, ये ऑलमोस्ट डेली का हमारे घर पे है। और अब मैं थोड़ा सा और काम करूंगी, क्योंकि जब तक विक्की काम कर रहा है तब तक मैं थोड़ा सा और काम करूंगी, उसके बाद मैं डायरेक्टली कल मिलती हूँ। एंड कल सुबह मैं पक्का योगा करूंगी और योगा का सेशन आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या योगा करती हूँ, PCOS वाला स्पेसिफिकली। सो या आई विल मीट यू टुमारो, गुड नाइट। और अभी आज मैं बहुत लेट सोकर के उठी हूँ, क्योंकि कल हम लोग 2 बजे सोए थे, इस माशे की वजह से 1:30 बजे तक काम कर रहा था और लेट हो गए सोने में, तो अभी मैं लेट उठी हूँ सोके। बट अभी मुझे एनी हाउ आज योगा का वीडियो बनाना था और योगा भी इस बहाने हो जाएगा मेरा। सबसे स्टार्टिंग में मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर PCOS और PCOD और थायराइड वाले जो भी लोग हैं उनके लिए। थायराइड को मुझे नहीं पता है, बट हाँ, क्योंकि थायराइड भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ही होता है, तो आई थिंक ये उसके लिए भी चलेगा। बट इस PCOS या PCOD के लिए तो ये 100% वर्क करता है, बिकॉज मैं खुद भी वो चीज़ करती हूँ। तो योगा इज वेरी वास्ट, मतलब बहुत बहुत बड़ा है। जितना आप अंदर घुसोगे उतना आपको नई नई चीज़ें पता चल जाएगी, तो हम उतना डीप में नहीं जाते हैं। मतलब मैंने जब योगा सीखा था तब मैंने सिर्फ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग लिया था, मेरे यहाँ पे सोसाइटी में एक सिखाते हैं, तो मैंने उनको ये अपना प्रॉब्लम बता दिया था कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे उस कंसर्न के हिसाब से शायद से सिखाया था योगा। तो मैं वही जो बेसिक योगा होता है, पहली चीज़ तो जो सूर्य नमस्कार है दैट इज़ बेस्ट फॉर एनीथिंग। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सूर्य नमस्कार तो करो ही करो, उसमें आप ये बोल के चलो वो 12 जो स्टेप्स होती हैं उसमें आपका सब कुछ हील हो सकता है, अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ही डेली 5 या 6 बार करोगे तो। बट मैं जो स्पेसिफिकली कोर एक्सरसाइज की मैं जो बात करती हूँ, कोर योगा की जो मैं बात करती हूँ, वो मैं आपके सामने, और कौन से 5 आपको करने ही करने 100% इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप दिन भर में 5 मिनट भी कर लोगे ना तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, तो योगा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले होता है शुद्धिकरण करना आपकी बॉडी का, आपके ऑरा का, सराउंडिंग, मतलब जो भी होता है। बहुत डीप है ये, इतना डीप में मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि इसको शुद्धिकरण करते, इफ समवन इज योगा एक्सपर्ट प्लीज लेट मी नो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, क्योंकि आई एम नॉट अ योगा एक्सपर्ट, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे ही सीखा है। शुद्धिकरण आप कैसे कर सकते हैं, आपको जब भी योगा करना है आपका पेट क्लीन होना चाहिए, प्रेफरेबल टाइम सुबह का होता है, बट आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो। बट आपका उस टाइम आपने खाना खाया है तो आपको तुरंत योगा नहीं करना होता, आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे एटलीस्ट आपको ब्रेक लेना है ताकि आपका खाना पूरी तरह से पच जाए, एंड देन आपको योगा करना है। बट प्रेफरेबल टाइमिंग्स होता है कि अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव चाहिए तो आप सुबह सुबह करिए, और पेट आपका साफ होना चाहिए। दूसरा होता है जल नीति की तरह से आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है वायु के थ्रू, जो हम अभी करने वाले हैं। वायु के थ्रू मतलब जो ये हम अनुलोम विलोम कपालभाति ये सारी चीजें करते हैं, ये वायु के थ्रू होता है। हल्दी पाल्टी मान करके आराम से बैठ जाइए और अपने हाथों को इस तरह से रखिए या ऐसे रखिए, बस रिलैक्स मोड में रखना होता है आपको। एंड रिलैक्स मोड में रखने के बाद आप सबसे पहले कपालभाति करेंगे, आई थिंक कपालभाति सबको पता होगा। बाहर छोड़ा जाता है तो आपको बहुत ताकत नहीं लगानी होती है, मतलब बहुत प्रेशर नहीं करना होता है आपके स्टमक को, जितना आप प्रेशर से छोड़ सकते हो उतना आपको। तो इसको जब आप कर रहे होते हो तो आपको ये सोचना होता है, अच्छी चीज़ें सोचनी होती है, कैसे कि मेरे अंदर की जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे अंदर की गंदगी है वो सब हवा के थ्रू बाहर जा रही है। तो आपको ऐसे सोच करके सांस छोड़नी है, मतलब ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। फिर ये आपने कर लिया, जब इसको कपालभाति बोलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको यहां से एक्सेल किया, फिर इनहेल एक्सेल अगेन इनहेल एक्सेल। इसको इन डेप्थ वीडियो देखना है तो इंटरनेट पे काफी सारे अवेलेबल है, मैं बहुत इन डेप्थ नहीं बता रही हूँ। तो अनुलोम विलोम करना होता है, कपालभाति करना होता है, और नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है ओम चैंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी योगा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपने अंदर से शुद्धिकरण कर लिया, अब आप जब ओम चैंटिंग करते हो तो आपका जो ऑरा होता है, जो आपका एटमॉस्फियर, जो आपके आसपास की चीजें वाइब्स है, वाइब्रेशंस है, वो सब क्लीन हो जाती है अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी होती है तो, इसलिए ओम चैंटिंग करते हैं। जो आप ओम को जब बोलते हो ना, ऐसे नहीं मन में सोच रहे हो, फर्स्ट स्टेप मन में सोच रहे हो, ये नहीं, सेकंड बोलना है, जब पूरा नीचे जाना होता है, बट क्योंकि मैंने टेंडेंसी नहीं किया, वाइब्रेशन होगा जब ये थर्ड, ये सब दांत वात अंदर पूरा आपकी वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ट्राई दिस एट होम, ये आपको जरूर फील होगा। उसके बाद होते भ्रामरी, भ्रामरी में क्या होता है आपको ऐसे करना होता है, 7 इनहेल एक्सहेल आपको प्रॉपर्ली करना होता है,
ये कर लेंगे आपका यहाँ से लेकर के पूरा अंदर तक आपका एक अलग ही आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। इसको बटरफ्लाई आसन बोला जाता है, तो बहुत सिंपल सा होता है ये, कोर एरिया पे काफ़ी इफेक्टिव होता है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको इस तरह से पूरा लेट जाना होता है एंड देन अपने एंकल्स जो हैं, एंकल्स पे आपको प्रेशर दे करके आपका जो हिप एरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना हो, ठीक है, उसको आपने ऐसे और यहाँ पर होल्ड करना होता है थोड़ा। एंड उसके बाद जो थर्ड है वो है साइकिलिंग। बट फॉर PCOS मैं अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो स्पेसिफिकली फॉर कोर एरियाज होती हैं। क्या करना होता है कि आपका यहाँ का जो सिस्टम है वो गड़बड़े इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो फर्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई। है मतलब काफी इफेक्टिव है। देन उसके बाद नेक्स्ट मैं ये वाला करती हूँ, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। देन नेक्स्ट ये है, यहाँ पर मैंने इनहेल किया है, बॉडी को ऊपर लेके गई हूँ एंड एक्सहेल किया है, यहाँ पर मैं बॉडी को ढीला छोड़ रही हूँ और नीचे लेके गई हूँ इस मोशन में। तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, बट क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये था योगा। आई थिंक ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मतलब यही मैं करती हूँ और इससे ही आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बस जब आप योगा करें तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने मन में और इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस मत करिए, क्योंकि ये जो पूरी प्रॉब्लम्स हैं ये सब इनिशिएट ही स्ट्रेस की वजह से होती हैं बॉडी में। तो इतना सोचिए मत। आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो 6 महीने, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हो सकता है जैसे मुझे 2-3 मंथ्स में मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया था, हो सकता है आपको 6 मंथ्स में पड़ जाए, क्योंकि हमारी बॉडी अलग है, हम दो अलग अलग इंसान हैं। तो इतना लोड मत लीजिए अपनी बॉडी को, बहुत पुश मत करिए, बस योगा करिए, अच्छा खाइए, नीट खाइए एंड खाने पीने का भी ध्यान रखिए उसके साथ में, एंड आई एम श्योर आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।